हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोहे की रेसिपी। ज़्यादातर लोग पोहे को ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये हेल्दी और लाइट वेटेड होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मेक इट। पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, जिनको मैंने बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया है। और अब मैं एक बाउल लूँगी, उसमें 2 कप हम पोहा ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल दूंगी। स्पून की हेल्प से इसको 2-3 बार ऐसे घुमा दें और इसका पानी निकाल कर पोहे को अलग रख लें। ये देखिए, मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब मैं इस पर डालूंगी 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। नमक और चीनी डालने से हमारे पोहे आपस में चिपकेंगे नहीं, और नमक और चीनी जो पोहे में एक्स्ट्रा पानी होता है इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इससे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उस पर हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए हम उस पर अपने अनियंस ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। अब हम इसमें 5 से 6 कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। अब हम अपनी शिमला मिर्च भी ऐड कर लेंगे और टमाटर भी, और इन्हें भी हल्का सा सौते कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। अब हम अपने पोहे इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 नींबू इसको निचोड़ के डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा पोहा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा पोहा देख सकते हैं आप कितना खिलखिला बना है, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अगर आपको पोहा पसंद है आप बिल्कुल मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।